सस्ती चीजें हैं भाई। और फिर अगली चीज, आपको आटा की बात हो रही थी आपसे, तो आटा देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है 10 किलो का आपका, यहाँ आटे का पैकेट है, यहाँ लिखा है नेट वेट 10 kg और 10 kg आटे का आपको हम प्राइस अगर दिखा है 10 किलो, 10 किलो देखिए यहाँ पे दाम आपको दिख रहा है 450 रुपए, लेकिन ये पड़ेगा आपको केवल लेकिन ये बता रहे हैं भैया यहाँ पे कि ये पड़ेगा आपको केवल 210 रुपए का, यानी 210 रुपए में आपको 10 किलो आटा मिल जाएगा। किलो का तोड़ा केवल सिर्फ 210 रुपए का भाई, मैं केवल, बताता केवल, चलूं, केवल। 10 किलो का तोड़ा हमारे पास कितने का है, हमारे पास 1350-1400 रुपए का मिल रहा है इस टाइम। हाँ जी ये 100-100 रुपए की है जूती है, चप्पलें सब 100 रुपए की, ईद के जूते, या अल्लाह ये 100-100 रुपए के हैं सर, ये 99 का ऊपर लिखा हुआ है सेल, 99 रुपीज, 99 रुपीज की ईद के चप्पल खुस्ते वगैरह। हाँ जी इसी प्रकार 99 करोड़ दिखा, ये देखिए ये भी 99 रुपीज, सब आइटम 99 रुपीज, ए टू जेड डॉलर का रेट तो नहीं लगा बगैर 99 रुपीज का सेल है, देखिए ये सब कुछ 99 रुपीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे 99 में कुछ नहीं मिलता, फ्रूट भी नहीं मिलता। ये नए जय हिंद दोस्तों, दोस्तों सभी को पता ही होगा कि पाकिस्तान में इसमें खाने के लिए दालें पड़े और 250 से 300 आटा हुआ है, तो वहाँ पर महंगाई इतनी होने के कारण लोग मर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है वो लाइव भारत विजिट किए और उनको प्राइस दिखाई जाती है आटा तेल घी की, तो दोस्तों आपको बता दें उनके होश उड़ जाते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ तो 4 गुना दाम है और वो उनकी शॉक हो जाती है। दोस्तों वीडियो देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया इस टाइम कौन से कंट्रीज को बीट करने जा रहा है, और क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम के अंदर मजीद का क्या कुछ कर सकता है इंडिया? इंडिया अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में कई चीजें हैं, कई सारे वीडियो आप देखते भी हैं, कई सारे वीडियो आप जानते भी हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये दो चीजें हमारे यहाँ हैं। हम आजकल जब भी मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के, तो हम पहले देखते हैं कि वो चीज बनी कहाँ पे है, अगर उस पर लिखा है मेक इन इंडिया तो ही हम उस चीज को बाई करते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये मेक इन इंडिया जो चीजें हैं, आखिर इन चीजों को लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके यहाँ कंट्री में कई सारी चीजें होंगी जिनको लोग प्रमोट करते होंगे, तो जो आम जनता है, जो बाकी लोग हैं, वो इस चीज को जानेंगे कैसे, इस चीज को मानेंगे कैसे, तो इसके लिए उनका शिक्षित होना जरूरी है। तो अगर आपके यहाँ की कौम हो या हमारे यहाँ की कौम हो, अगर वो शिक्षित होगी, अगर वो जागरूक होगी, अगर वो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई एजुकेशन सिस्टम को जानेगी, वो पढ़ाई लिखाई करेगी, तो वो आगे बढ़ेगी, वो इस चीज को जानेगी और समझेगी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, राम राम जी। अच्छा सर, आप मुझे बता सकते हैं आप होटल चला रहे हैं, क्या रेट्स चल रहे हैं वहाँ पे होटल के और क्या सिनेरियोस हैं हिंदुस्तान होटल के सर? एसी रूम, नॉन एसी रूम? एसी रूम के भी बता दें, नॉन एसी के भी बता दें। 1000 रुपए एसी रूम के, 500-600 रुपए नॉन एसी के। ओ, 1000 रुपए में कमरा मिल जाता है एक दिन के लिए? जी सर। वाओ, और मुझे बताएं पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या राय रखते हैं, लोग आते हैं पाकिस्तान से? बढ़िया है, मतलब भाईचारा है, सबको एक जैसे समझते हैं, अपने जैसे सबको समझते हैं। आप आना चाहेंगे विजिट के लिए पाकिस्तान? नहीं सर, हमारा काम भी नहीं है वैसे तो। जी क्या कह रहे? और इंडिया में बैठे हैं, काम होता तो आते भी, रिलेशन भी है नहीं। काम होगा तो आएंगे, पाकिस्तान से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, पैसे है नहीं, इसलिए कोई रिलेशन है नहीं, इसलिए लगाव नहीं। कोई मसला नहीं है। कभी कुछ सुना है पाकिस्तान के बारे में, क्या जानते हैं? बस यही सुनते हैं, बोले ऐसे ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, वो बोलते हैं, पूरा लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, इसमें क्या पड़ा लड़ाई झगड़े में? अच्छा सुनते हैं कि बुरा सुनते हैं? देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं तो लड़ाई नहीं कर रही। बुरा सुनते हैं, बुरा सुनते हैं, अच्छा क्यों नहीं सुनते? अच्छा सुनने को कभी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा ये आप लोग अपने टीवी पे सुनते हैं या लोगों से सुना हुआ है या खुद लोगों कभी देखा? सुना है, टीवी पे भी सुना है, टीवी पे भी सुना है, कभी किसी पास। ठीक है ठीक है, मैं आपको स्ट्रीट भी दिखा दूंगा, मैं साथ में आपको मार्केट भी ले चलता हूँ, मैं आपको पहले ले चलता हूँ नॉर्मल मार्केट में, और मार्केट में छोटा सा मॉल हमारे घर के पास अभी जल्दी ही खुला है, मुश्किल से मेरे ख्याल से 1-2 महीने हुए होंगे, मैं वहां चलता हूँ, वहां पे सामान के दाम आपको दिखा देता हूँ। फिर वहां सामने ही सब्जी की मार्केट है, तो सब्जी का एक छोटा सा मार्केट है, मार्केट क्या है, एक छोटी सी दुकान है, मैं आपको वहां बात करवा दूंगा उनसे कि वहां पे सब्जी के क्या रेट चल रहे हैं और साथ में राशन है क्या रेट चल रहा है, आपको वो मालूम चल जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की मार्केट में, वहां भी आपको मैं दिखा दूंगा कि कौन से मोबाइल फोन यहाँ है और कितने कितने तक के मिल रहा है। ठीक हो गया भाई, चलते हैं जी। हेलो, हाँ मैं भी,
हेलो सर, माइक माइक हेलो। किसी को हाँ जी, कैमरा दिखा ये दो, इनसे माइक बात किसी करा था। को पास आप रखिएगा। कितना रुपया कमा लेते हैं रोज की? कहाँ कितना रुपया कमा लेते हैं? वो कैमल से कितना रुपया कमा लेते हैं आप? 3 से 4 रुपये। अभी तो ज्यादा ही है, आपके तो आपके हाथ में ही है। ठीक है जी, आगे और देखते हैं और किसी कोई मिलेगा जैसे भी। यहाँ देखे क्या है, बिजी लोग ज्यादा हैं इस वजह से ये बात नहीं करना चाहते। लेडीज है सब काम कर रही हैं। कोई मुस्लिम मिले तो मेरी बात करवाइएगा। अब देखो ना, इस सब इसके अंदर पब्लिक के अंदर कोई कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, हम लोग नहीं जानते। जैसे भी रैंडमली मिल जाता है, हम लोग ऐसे ही चलते हैं। मैं अब कैसे पहचान करूं कि ये मुस्लिम है और ये हिंदू है? जैसे बात करेंगे तभी पता चलता है ना, कि ये आपका नाम पूछने से पता चलता है कि ये मुस्लिम है और ये हिंदू है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या आपका? काला राम। आपका नाम क्या जी है? दिनेश नाम है। अच्छा, इनका क्या क्या रेट है आपका? 100। हर एक आइटम है वो 100 रुपए की है, यहाँ 100 रुपए की आइटम है ये। आपको पता है यहाँ 100 रुपए में चप्पल भी नहीं मिलती। हाँ जी, ये 100 100 रुपए की है जूती है, चप्पलें सब 100 रुपए की। ईद के जूते, या अल्लाह, ये 100 100 रुपए की है सब। ये 99 का ऊपर लिखा हुआ है सेल, 99 रुपीज। शुरू करें या कहाँ शुरू करें? जो आपका दिल करे, आटा सब्जी वगैरह दिखा दीजिए, दालें वगैरह दिखा दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखिए मैक्रोनी, जो कि बहुत फेमस चीज होती है ये मैक्रोनी। तो इसके अगर हम दाम की बात करें तो ये आपको पड़ेगा यहाँ पे 20 रुपीज का है ये, 200 ग्राम। 20 रुपीज का हमारे यहाँ पर तकरीबन हाँ। 180 रुपए का ये। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है चना, चना का बेसन ये लिखा हुआ है, नोरिश कंपनी का है। और ये वेट देखिए आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 500 ग्राम का। और इसके अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो इसकी प्राइस आपको दिख रही होगी यहाँ पे 60 रुपीज, यानी 60 रुपए में आपको, हाँ 60 रुपए में आपको आधा किलो यहाँ पे बेसन मिल जाएगा। बहुत सस्ती चीजें हैं भाई। और फिर अगली चीज, आपको आटा की बात हो रही थी आपसे, तो आटा देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है 10 किलो का आपका। अच्छा। यहाँ आटे का पैकेट है, यहाँ लिखा है नेट वेट 10 केजी, और 10 केजी आटे का आपको प्राइस अगर दिखा है, 10 किलो 10 किलो देखिए यहाँ पे दाम आपको दिख रहा है 450 रुपए। अच्छा। लेकिन ये पड़ेगा आपको केवल लेकिन ये बता रहे हैं भैया यहाँ पे कि ये पड़ेगा आपको केवल 210 रुपए का, यानी 210 रुपए में आपको 10 किलो आटा मिल जाएगा। किलो का तो केवल सिर्फ 210 रुपए का भाई, मैं केवल, बताता केवल, केवल। 10 किलो का थोड़ा हमारे पास कितने का है? हमारे पास 1350-1400 रुपए का मिल रहा है इस टाइम। 99 रुपीज की ईद के चप्पल खुशते वगैरह। हाँ जी, इसी प्रकार 99 करोड़ दिखा। ये देखिए ये भी 99 रुपीज, सब आइटम 99 रुपीज, A to Z। डॉलर का रेट तो नहीं लगा बगल में? 99 रुपीज का सेल है, देखिए ये सब कुछ 99 रुपीज, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 99 में कुछ नहीं मिलता, फ्रूट भी नहीं मिलता। ये नहीं, ये सब बैग, इसके पर्स है जो लेडीज पर्स है, ये सब 99 99 की है, बस ये सब कुछ ठीक है, बेस्ट हो गया सर। नहीं नहीं यहाँ 1300 का नहीं, यहाँ पे केवल 210 रुपए में 10 किलो मिल जाएगा आपको। और कई सारी कंपनियां हैं, अगर आप कंपनी स्विच करोगे तो आपको दाम हो सकता है कि और सस्ते पड़ जाए। जबरदस्त यार। फिर यहाँ पे आप टाटा की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले आप टाटा की बात कर रहे थे, तो टाटा कंपनी का नमक भी आता है हमारे यहाँ। तो टाटा का नमक अगर हम 1 किलो वाले पैकेट की बात करें तो ये 28 रुपए का आपको पड़ेगा 1 किलो नमक टाटा का। भाई बड़ा सस्ता भाई, यहाँ पर और वहाँ पर कोई फर्क ही नहीं है नमक के पैकेट का। और इसके बाद अगर आपको हम मैगी वगैरह प्राइस दिखाएं, मैगी हर जगह फेमस होती है आप जानते ही हो, तो मैगी का यहाँ पे पैकेट जो पड़ा हुआ है ये है 28 रुपीज का है ये पैकेट, छोटा पैकेट। अच्छा, 28 रुपीज का। जबरदस्त, ये वाला पैकेट यहाँ पर 100 रुपए का है? नहीं, ये बड़ा वाला जो पैकेट है ये मेरे ख्याल से 100 से कम ही का होगा, ये इतना बड़ा पैकेट है ये भी 100 से कम ही का होगा। बहुत बहुत सस्ती चीजें। अच्छा भाई, अभी मुझे ना आप चीनी के रेट की तरफ लेके जाओ, चीनी की तरफ, और चीनी के बाद आपको सब्जियों की तरफ लेके जाना। हाँ चीनी, ये रहा चीनी पे प्राइस नहीं लिखा, रुकिए मैं पूछता हूँ चीनी कितने का है इनसे। चीनी का रेट क्या होगा भाई? 42 42 का 1 केजी? नहीं, 40 का। 40 रुपीज का 1 केजी?
दो किलो 40 रुपए 40 रुपए 2 किलो हो जाएगा और 1 किलो 40 एक किलो 40 रुपए का और 2 किलो 80 रुपए का ये चीनी का। अच्छा बड़ी सस्ती है यार चीनी भी लिटरली। हाँ इसके बाद अगर हम घी घी के साइड रखें ये देखिए नेस्ले कंपनी का हमारे यहाँ घी पड़ा हुआ है और ये घी आपको पड़ेगा नियर अबाउट 630 रुपए का है और ये 1 किलो है। ओह और ये भी आपको 20 रुपए डिस्काउंट है तो ये पड़ेगा आपको 610 रुपए का 610 में 1 केजी। और कई सारी कंपनी से घी है अगर आप अलग अलग घी लेंगे तो फिर आपको अलग अलग प्राइस पड़ेगा। यहाँ पतंजलि का घी है नोरिस का घी है कई सारी कंपनीज का घी है यहाँ पे। और ये मसाले वाले सेक्शन आ गए ये सारे अलग अलग तरह के मसाले हैं पनीर के मसाले अलग हैं जलजीरा पानी पूरी के मसाले अलग हैं सब्जी के मसाले अलग हैं ड्राई मैंगो पाउडर अलग हो गया हींग अलग हो गया। हींग जो कि आप जानते होंगे कि हींग केवल और केवल पूरे दुनिया में जो है केवल आपको मिलती है अफगानिस्तान में अफगानिस्तान से ही हींग आती है। भले कोई कहे कि हमारे पाकिस्तान में पैदा होता है हमारे इंडिया में पैदा होता है ऐसा कुछ नहीं है हींग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल और केवल अफगानिस्तान से ही जाती है। और इसका रेट अगर हम बात करें तो 50 ग्राम हींग हमारे यहाँ 80 रुपए की है